प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अग्निदेव, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम BA भाग प्रथम के प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के प्रथम अध्याय राजनीति विज्ञान की अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम राजनीति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि राजनीति क्या है। साधारणतः राजनीति अंग्रेजी पर्याप्त पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। अर्थात नगर राज्य या उससे संबंधित जीवन घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों एवं समस्याओं का अध्ययन अथवा ज्ञान ही राजनीति है। अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग इन्हीं अर्थों में किया है। साधारणतः राजनीति शब्द से तात्पर्य राजा या राज्य की वह नीति जिसके आधार पर वह शासन व्यवस्था का संचालन करता है से लिया जाता है। आधुनिक अर्थों में राजनीति शब्द को इन व्यापक अर्थों में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। आधुनिक समय में इसका संबंध राज्य, सरकार, प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत समाज के विभिन्न संदर्भों एवं संबंधों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान व अध्ययन से लिया जाता है। साधारणतः परंपरागत दृष्टिकोण को राजनीति शास्त्र के चार भागों के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। पहला है राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा सरकार के अध्ययन के रूप में, तीसरा राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में, चौथा राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। पहला राज्य के अध्ययन के रूप में, बलेंसनी, गैरिस, गार्नर, गेटेल आदि लेखकों ने राजनीति शास्त्र को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। पहला है बलेंसनी। बलेंसली कहते हैं कि राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति तथा विविध स्वरूपों एवं विकास को समझाने का प्रयत्न करता है। दूसरा गैरिस। गैरिस कहते हैं राजनीति शास्त्र राज्य को एक शक्ति संस्था के रूप में मानता है, जो राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके स्थान, उसके उद्देश्य, उसके नैतिक महत्व, उसकी आर्थिक समस्याओं, उसके वित्तीय पहलू आदि का विवेचन करता है। गार्नर। गार्नर कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गेटेल। गेटेल कहते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का, राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यों का, राजनीतिक संस्थाओं का तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। ये सभी विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं और ये कहते हैं कि हमने केवल राज्य का अध्ययन कर लिया तो संपूर्ण राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर लिया, लेकिन ये केवल राजनीति विज्ञान के एक पहलू राज्य का ही अध्ययन करते हैं और राज्य का अध्ययन के अंतर्गत ये इसे एकांगी रूप में ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य का वास्तविक स्वरूप तो सरकार है, लेकिन इस सरकार के अध्ययन को यहाँ पर भुला देते हैं। इनके पश्चातवर्ती जो विचारक आते हैं वो राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। पॉल जेनेट, लेकोक और शीले जैसे विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जो सरकार है वह सरकार वास्तविक रूप में राज्य को परिभाषित करती है, क्योंकि राज्य तो अमूर्त है और सरकार उसका मूर्त रूप है। इसलिए पॉल जेनेट के शब्दों में राजनीति शास्त्र सामाजिक शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। लिका के शब्दों में राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है। वहीं सीले कहते हैं कि राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का अध्ययन करता है। राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में कुछ विद्वानों का मत है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार के सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। वहीं डिमार्क कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से है। पॉल जेनेट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकारों के सिद्धांतों का विचार किया जाता है। चौथा, राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में, लास्की तथा हरमन हिलर आदि राजनीति शास्त्र को राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। लास्की के शब्दों में राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। वहीं हरमन हिलर कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति संबंधी मूलभूत पूर्व मान्यताओं द्वारा होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि परंपरावादी विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि
सरकार राज्य द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग करती है। सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है और व्यक्ति राज्य की प्राथमिक इकाई है। अतः परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य सरकार वे व्यक्ति के अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाला बताया गया है, किंतु आधुनिक राजनीति शास्त्र को इसको राजनीति शास्त्री इसको अपर्याप्त मानते हैं, क्योंकि इसमें शासन की रचना और कार्यपालिका के अध्ययन पर बल दिया गया है। यानी कि यहाँ तक परंपरागत राजनीति विज्ञान में केवल संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया गया था, किंतु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की धारणा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और जिसका प्रेरणा स्रोत शिकागो विश्वविद्यालय था। अनेक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक विज्ञान के संबंध बनाने के प्रयास किए, जिसमें चार्ल्स सी मेरियम प्रमुख हैं। चार्ल्स सी मेरियम ने राजनीति विज्ञान के तार्किक अनुभववाद, तथ्यात्मकवाद, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग करते हुए आधुनिक राजनीति विज्ञान को एक नवीन परिभाषा दी, जिसके अंतर्गत रेंसी लिटकर, तुर्क लेविन तथा पोल्स लार्ज फील्ड के प्रयासों के फलस्वरूप राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान की शोध तकनीकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हुए आधुनिक स्वरूप के अंतर्गत अस्तित्व में आया। राजनीति शास्त्र की नवीन परिभाषाओं के अंतर्गत इसके अध्ययन को निम्न रूपों के अंतर्गत परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहला इसके अंतर्गत आता है राजनीति शास्त्र की मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, दूसरा राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन, तीसरा राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और चौथा है राजनीति शास्त्र के अंतर्गत निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन। पहला राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों और इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से यह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। ब्रेंटर डी जुविनेल कहते हैं कि हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी विचारकों का यह कहना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन। कुछ राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। कैटलिन, लासवेल, मेरियल, मैक्स वेबर, बर्टन रसेल, मार्गेंथाउ आदि का मानना है कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में परो देती है। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है तथा मार्गेंथाउ तो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। वहीं लासवेल कहते हैं कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है। तीसरा राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। डेविड ईस्टन तथा आमर्ट जैसे आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। डेविड ईस्टन और आमेंट के अनुसार राजनीति विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। राज्य और शासन शब्दों में जहाँ राजनीतिक जीवन के औपचारिक व वैधानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है, वहीं राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत इस औपचारिक वैधानिक अध्ययन के मूल रूप में जाकर राजनीतिक यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चौथा राजनीति विज्ञान निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन। कुछ आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण प्रक्रिया तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं, क्योंकि यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है तो सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण करना है, तो राजनीति शास्त्र को निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विज्ञान कहा जा सकता है। हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। लासवेल राजनीति विज्ञान को मूलतः एक नीति पॉलिसी साइंस मानते हैं। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान की एक सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। अधिकांश विचारक यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राजनीति समाज के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उनके परिणामों का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति। राजनीति विज्ञान मूलतः समाज विज्ञानों के वर्ग में आता है, अतः यह प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक मात्र यथार्थवादी वस्तुनिष्ठ मूल्य निरपेक्ष विज्ञान नहीं है, अपितु इसमें राजनीति विज्ञान नाम से संबोधित किया गया है कि लेकिन विद्वान इस प्रश्न पर एक मत नहीं है कि इसको एक विज्ञान माना जाए या नहीं। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि एक विषय राजनीति विज्ञान के विश्व स्तरीय महानतम विद्वान अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है।
हम यहाँ पर यह अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है या राजनीति विज्ञान एक कला है। राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के विरुद्ध कुछ तर्क जो विद्वानों ने दिए हैं वो ये हैं। जैसे मैटलैंड कहते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्न पत्रों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के नहीं अपितु शीर्षक पर खेद उत्पन्न होता है। बर कहते हैं कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। विज्ञान न मानने वाले विद्वानों के प्रमुख तर्क है, वे कहते हैं कि विज्ञान में जैसे प्रयोग परीक्षण संभव है, वैसे यहाँ पर राजनीति विज्ञान में उस प्रकार से परीक्षण संभव नहीं हो पाते, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों के किसी विषय के बारे में पहले पूर्वाभान किया जाता है, किंतु इसमें इस प्रकार की पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती कि आगे क्या होगा। दूसरा, कार्य कारण में सुनिश्चित संबंध का अभाव। प्राकृतिक विज्ञानों में कार्य और कारण के बीच एक सुनिश्चित संबंध होता है, लेकिन यहाँ राजनीति विज्ञान में हम कार्य कारण के बीच में एक सुनिश्चित संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव। राजनीति विज्ञान में कुछ निश्चित और सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का मूल विषय राज्य है, किंतु उसकी पद्धति के बारे में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कि राजनीति विज्ञान को विचारक क्या करते हैं कि विज्ञान के रूप में भी परिभाषित करते हैं, और वह कहते हैं कि इसमें विज्ञान के रूप में जो तत्व पाए जाते हैं वही तत्व यहाँ राजनीति विज्ञान में भी पाए जाते हैं, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। जैसे ये माना जाता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी राज्य सरकार राजनीतिक संस्थाओं धारणाओं व विचारधाराओं का ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में ही किया जाता है। इसकी उत्पत्ति से लेकर आज तक के एक विकास क्रम को हम अलग अलग कर और एक साथ एकजुट कर देख सकते हैं और उसका परीक्षण कर सकते हैं, इसलिए इसे विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। सर्वमान्य सिद्धांत, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी कुछ सर्वमान्य सिद्धांत पाए जाते हैं। जैसे माना जाता है, लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्णतः शक्ति भ्रष्ट करती है, तो विश्व के किसी भी कोने में चले जाएँ तो यही देखा जाता है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्णतः शक्ति भ्रष्ट करती है। यदि हम क्रांतियों के बारे में भी देखें तो क्रांतियों के पीछे विश्व की कितनी भी क्रांतियां हैं, उन क्रांतियों के पीछे एक ना एक विशेष कारण पाया जाता है जो सर्वमान्य कारण होता है। इसलिए ये माना जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी कुछ सर्वमान्य सिद्धांत पाए जाते हैं। कार्य कारण में पारस्परिक संबंध। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत कार्य कारण में पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं, वैसे ही राजनीति विज्ञान में भी कारण के पीछे को विशेष कार्य या घटना पाई जाती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें कार्य कारण में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। भविष्यवाणी क्षमता, वो कहते हैं कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भविष्यवाणी की जा सकती है, इसी प्रकार ही राजनीति विज्ञान को सर्वमान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और उसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का एक कला है, क्योंकि कला वह ज्ञान है जो व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाता है, तथा इस अर्थ में राजनीति विज्ञान भी एक कला है, क्योंकि राजनीति विज्ञान विषय का ज्ञान मनुष्य को अच्छा नागरिक बनाता है। राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से एक कला भी है, इसलिए राजनीति विज्ञान को उन्होंने विज्ञान के साथ साथ एक कला भी कहा है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, इसके अंतर्गत जीवन के सभी पक्षों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिसके हम इस संदर्भ के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला, राजनीतिक सिद्धांत। अतीत एवं वर्तमान के राजनीतिक सिद्धांतों एवं विचारों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, राजनीतिक संस्थाओं। इसके अंतर्गत संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक व स्थानीय शासन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तीसरा, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह और लोकमत। राजनीतिक दल और दबाव समूह आदि का राजनीतिक व्यवहार एवं लोकमत तथा शासन के नागरिकों के भाग लेने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, अगली क्लास में। थैंक यू।